हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस तरह के थंबनेल आप अपने एंड्रॉयड मोबाइल में कैसे बना सकते हैं जैसे बड़े बड़े यूट्यूबर बनाते हैं। एकदम सिंपली वैसे बताऊँगा आपको, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। गाइज, आपको सबसे पहले दो एप्लीकेशंस डाउनलोड करनी पड़ेगी। पहली है पीसार्ट, दूसरी है पीएससीसी। दोनों एप्लीकेशन ही प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, तो डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पीसार्ट ओपन करने के बाद आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, जिसका साइज़ आप देख लीजिए 1280 और 720 का आपको एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा। यह यूट्यूब थंबनेल का एग्जैक्ट साइज़ है। गाइज, ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेने के बाद आपको इसको कलर करना पड़ेगा। राइट में लेयर के ऑप्शन पे जाके फिल कलर पे करना है। इसमें आपको ऑरेंज कलर फिल कर लेना है। तो ये क्यों करना है मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। फिर आपको एडिट पे क्लिक करना है। अब गाइज, आपको ऐड फोटो पे जाके आपको वो फ़ोटो इम्पोर्ट करना है जो आप थंबनेल में लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं ये स्नाइपर वाला फ़ोटो लेता हूँ। अब इस फोटो की ओपेसिटी आपको एकदम हाफ कर लेनी है, ताकि आपको बैकग्राउंड वाला वो दिखे। अगर आपका फ़ोटो का साइज़ एग्जैक्ट यही है तो आप एडजस्ट कर लेना। तो गाइस, जब आपका फ़ोटो एडजस्ट हो जाए तो इसकी ओपेसिटी 100 कीजिएगा और इसको आगे राइट वाले एरो पे क्लिक करके होम पेज पे ले आएगा। अब आप उसको ड्रॉ पे क्लिक करके राइट में जो तीन डॉट है इस पर क्लिक करके सेव कर लेना है। यहाँ से आप सेव करेंगे तो एकदम अच्छी क्वालिटी में सेव होगा। अगर आप राइट वाले एरो से सेव करेंगे तो अच्छी क्वालिटी में सेव नहीं होगा। अब गाइस, पीसार्ट में अपना दूसरा काम यह है, आप इसको डिलीट लेयर को डिलीट कर दीजिएगा। एकदम ट्रांसपेरेंट लेयर पे क्लिक करके आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है वो टेक्स्ट आपको लिख लेना है। एग्जाम्पल के लिए मैं पेनीवाइज लिखता हूँ। गाइस, आपको फ़ॉन्ट स्टाइल भी सिलेक्ट पीसार्ट में करनी पड़ेगी। और ध्यान दीजिएगा, आपको इसको कलर नहीं करना, ओनली फ़ॉन्ट स्टाइल सिलेक्ट कीजिएगा जो आपको अच्छी लगती है। तो गाइस, मैंने अपना फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लिया। अब राइट पे क्लिक करके वापस ड्रॉ टूल पे जाना है और यहाँ से थ्री डॉट पे क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। अब पीसार्ट का अपना काम ख़त्म हो चुका है। गाइस, अब लेफ्ट में नीचे गैलरी का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके फ़ोटो लाइब्रेरी पर क्लिक करके आपका जो फ़ोटो अभी सेव किया है उसको इम्पोर्ट कर लेना है। आफ्टर इम्पोर्टिंग गाइज, आपको लेफ्ट में ये स्क्वायर दिख रहा है, इस पे से आपको पॉलीगन सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है। देखिए, ध्यान से देखना। अब गाइज, आपको जो ऊपर टाइटल बार में स्क्वायर दिख रहा है उस पर क्लिक करके शो पॉइंटर कर लेना है। अब आपको आपका कैरेक्टर सिलेक्ट करना है। देखिए मैं कैसे करता हूँ, आप एकदम आराम से करिए, मैं थोड़ा जल्दबाजी में कर रहा हूँ। एकदम जो कैरेक्टर की एज है उसको ट्रेस करना है। गाइस, जितना अच्छे से आप इसको ट्रेस करेंगे आपका थंबनेल उतना ही अच्छा लगेगा। तो गाइस, जैसे आप ट्रेस करते करते कैरेक्टर के दूसरे हिस्से में पहुंच जाएंगे, आपको जो स्टार्टिंग से सिलेक्ट करा था उस पर क्लिक करते ही आपको ये पूरा सिलेक्शन हो जाएगा। आपके जो सिलेक्ट किया है वो हाईलाइट हो जाएगी। अब गाइस, आपको राइट क्लिक करके प्लस के आइकन पे क्लिक करके लेयर फ्रॉम सिलेक्शन करना है। ध्यान दीजिएगा। अब गाइस, आपको पॉइंटर हाइड कर लेना है। जैसे शो पॉइंटर करा था वैसे ही हाइड पॉइंटर होगा। अब गाइस, जो अपन ने लेयर सिलेक्ट की है इस पर क्लिक करके प्लस के आइकन पे क्लिक करके डुप्लीकेट लेयर कर लेना है, और अपना जितना भी काम होगा अब नीचे वाली लेयर पर ही होगा। अब गाइस, टाइटल बार में स्क्वायर पर क्लिक करके आपको सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है, सिलेक्ट पिक्सल्स, ठीक है। अब आपको टाइटल बार में एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, वहाँ से फिल पे करना है। अब टाइप पे क्लिक करके स्ट्रोक पे क्लिक कर लेना है। आप अपने कलर अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, मेरा डिफ़ॉल्ट वाइट है इसलिए मैं वाइट कलर पे ही काम करूँगा। फाइनल होने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर लेना है। गाइस, चेक कर लेना आप कौन सी लेयर पे काम कर रहे हैं, डुप्लीकेट लेयर के नीचे वाली लेयर ही होनी चाहिए हमेशा। गाइस, जहाँ भी आपको लगे मैं कुछ तेज़ बता रहा हूँ, आप वीडियो को स्लो करके देख लेना। अब आपको एफएक्स पे क्लिक करके स्टाइल पे क्लिक करके ग्लास वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आप अमाउंट और स्केल अपने हिसाब से कर सकते हैं, या फिर मेरे यहाँ से देख के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जैसा आपको सही लगे वैसा कर लेना है आपको। फाइनल होने के बाद आपको राइट पे क्लिक कर लेना है।
अब आपको इफेक्ट्स पे अगेन जाना है, बेसिक पे, और यहाँ पे ग्लो ऑप्शन पे क्लिक करना है। कलर आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, ब्लर और इंटेंसिटी भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। फाइनल होने के बाद अगेन राइट क्लिक कर लेना है। आपको राइट पे लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, प्लस पे जो लेफ्ट में ऑप्शन है इस पे क्लिक करना है। ब्लेंड मोड में राइट में जो एरो बना है इस पे क्लिक करके आपको लीनियर डॉज कर लेना है। अब देखिए अपना कैरेक्टर कितना ओपी लग रहा है। अब अपने कैरेक्टर का पूरा काम हो चुका है, इसलिए आपने बैकग्राउंड वाली लेयर सिलेक्ट कर लेनी है। सिलेक्ट करने के बाद आपको एंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके ग्रेडियंट पे क्लिक करना है। यहाँ आपको कई ऑप्शन दिखेंगे, और आपको शेडो वाला क्लिक करना है। जैसा आपको सही लगे उसके हिसाब से एडजस्ट कर लेना। गाइज आप इसमें 2 या 3 थंबनेल बना लेंगे तो आपका परफेक्शन आने लग जाएगा, तो आपको बनाने में और कम टाइम लगेगा। गाइज अब अपन ने जो टेक्स्ट सेव किए थे उसको इंपोर्ट कर लेना है। आप जहाँ भी टेक्स्ट लगाना चाहते हैं वहाँ लगा लीजिएगा, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा ही करिएगा। अब आपको टाइटल बार में स्क्वायर पे क्लिक करके सिलेक्ट पिक्सल कर लेना है। अब एंड पे क्लिक करके ग्रेडियंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है। अब आपको जो इसमें से अच्छा लगे उस पे क्लिक करना है। लेफ्ट में जो प्लेट बनी हुई उस पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से कलर भी दे सकते हैं। गाइज आपको जहाँ भी समझ में ना आए वीडियो को स्लो करके या फिर पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, कन्फ्यूज़ मत होना। इसके बाद आपको स्क्वायर पे क्लिक करके डिसलेक्ट पिक्सल कर लेना है। इसके बाद आपको इफेक्ट्स पे जाना है, और वहाँ से ड्रॉप शेडो 2 या 3 बार या जितना आप चाहते हैं उसके हिसाब से दे सकते हैं। गाइज इस फोटो में मैं ओल्ड लेयर ऐड करूँगा, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेरा थंबनेल का थीम पेनीवाइज था जो एक जोकर था, तो मैं इसका फ़ोटो ले लेता हूँ। अगेन राइट में प्लस के लेफ्ट में जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपके फ़ोटो के हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। हर फोटो के अलग अलग होता है, ओपेसिटी कम कर लीजिएगा, जैसा आपको सही लगे वैसा करना। इसमें मेरे को बैकग्राउंड वाले फ़ोटो का ग्रेडियंट कम लग रहा था, इसलिए मैं थोड़ा और डार्क कर देता हूँ बैकग्राउंड को। अब मुझे इसमें एक ब्लड इफेक्ट ऐड करना है, ये PNG आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसको वापस करके जैसा आपने पहले वाले लेयर के साथ करा था वैसा ही कर लेना है। मुझे ग्रेडियंट कम लग रहा था इसलिए मैं थोड़ा और डार्क इफेक्ट कर लेता हूँ। जब तक आपको अपना थंबनेल खुद अच्छा ना लगे तब तक उसको फाइनल मत कीजिएगा। गाइज ये मैं जो भी लेयर्स चूज़ कर रहा हूँ ये सब गूगल पे अवेलेबल है, मैं डिस्क्रिप्शन में ये बता दूंगा आपको क्या सर्च करके ये सब मिल सकते हैं। गाइज वीडियो की जान उसका थंबनेल होता है, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग थंबनेल देख के वीडियो देखते हैं। अगर आपके थंबनेल में कोई स्टोरी दिख रही होगी उनको, या थंबनेल से कुछ अच्छा लग रहा होगा, तभी वो आपकी वीडियो देखेंगे। तो ट्राई कीजिएगा एक बेस्ट से बेस्ट थंबनेल बनाएं आप। तो गाइज़ यहाँ पे मैं अपने फ़ोन का मॉडल लिख लेता हूँ, और इसको भी एक अच्छा ग्रेडियंट दे देता हूँ। आप भी अपना फ़ोन का मॉडल या फिर जो भी आप लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। और जब आपका थंबनेल फाइनल हो जाए लेफ्ट टाइटल बार में डन का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके सेव कर लेना है। अब अपने थंबनेल को गैलरी में लाने के लिए राइट में नीचे ऑप्शन इस पर क्लिक करके यहाँ पे सेव सिलेक्ट करके सेव कर लेना है। तो गाइज आई होप आपको आज का थंबनेल वीडियो समझ में आ चुका होगा। अब आप भी अच्छे अच्छे ओपी थंबनेल बना सकते हैं। अगर फिर भी आपको कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता देना, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके वो डाउट्स भी क्लियर कर दूंगा। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में, सायोनारा। I like your sketchers, you like me, my Gucci shoes.